हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। आज फिर से हम एक नए डॉग के साथ, शुभम भाई के, जो है एक ब्लैक मेलन हुआ। तो शुभम भाई बताएं अपने डॉग के बारे में। भैया ये है डीमन, इसका नाम है, KNPV डॉग है ये, और बड़ा ही मेरा सबसे फेवरेट, दिल के करीब कह लो आप, इसे ज़्यादा है थोड़ा सा है। शुभम भाई, KNPV जो आपने अभी बताया, तो ये KNPV में और FCI में फिर फ़र्क क्या है? दोनों में थोड़ा, KNPV के डॉग्स में मेलानोवा इनटू डच भी चलता है, मतलब इनकी जीन्स में मिक्स हो सकते हैं, हल्का सा मिक्स हो सकता है, वो उनके जेनेटिक्स के लिए या स्ट्रॉन्गनेस के लिए इस हिसाब से उनकी ब्रीडिंग करते हैं, ताकि बच्चे थोड़े उस लेवल पे। जी नहीं, जैसे मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग है, ब्लैक कलर का डॉग है। इसकी रियल सिस्टर मेरे पास है, आपको शायद पता होगा। हाँ बिल्कुल, इसकी रियल सिस्टर वो भी ब्लैक कलर की है, वो जो मेरे पास है, जुलू। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल फीमेल है वो भी। तो आपने ये भी वहीं से लिया था जहाँ से मैंने लिया? हाँ। अच्छा, तो ट्रेंड किया हुआ है ये आपने? ये सेमी ट्रेंड था, 10 महीने का लगभग आया था, फिर मैं रेस्ट अप करने लगा। अच्छा, तो आप इसके बारे में और इसका ट्रेनिंग के लिए और इसका शेड्यूल बताएं, आपको कैसे आप इसको? सेम सभी के रूट है, जितने भी मेरे डॉग्स हैं सबका वही, सुबह अर्ली मॉर्निंग का निकलना, सुसु पोटी में जाना, खाना, फिर अगेन सुसु पोटी वगैरह। तो शाम ट्रेनिंग आप रूटीन में इसको कराते हैं या मतलब कभी कभी अभी जैसे? नहीं, रूटीन में इसका तो मैं PDCPSA के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब जितना मुझे समय मिलता है भैया, क्योंकि डॉग्स काफ़ी हैं। हाँ, जैसे हमने आगे वीडियो किए हुए हैं, काम हो जाते हैं तो थोड़ा सा रेज हो जाता है जिस हिसाब से, बाकी हाँ मैं वर्क इनको अपने हिसाब से करा देता हूँ। इसका भी खाने में सेम जो बाकी डॉग्स का है, रूटीन है सभी का, तो खाने में ये प्रॉब्लम करता है या चूजी है किसी तरह की? या आराम से सब कुछ खा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, तो थोड़ा सा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपने गर्मियों की वजह से थोड़ा सा कम इसको वर्कआउट, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ठीक है, इतना चलता है, छोटा मोटा। जी हर डॉग्स पे। तो आप इसकी ग्रूमिंग के लिए आपको कितना, जैसे मेलन हुआ तो जैसे मैं खुद भी रखता हूँ, ग्रूमिंग की हमें भी कभी कोई नीड होती नहीं है, बस ब्रशिंग वगैरह फेर दो, अगर कोई कोट झड़ने वाला होगा तो निकल जाता है। जी। खाने का भी मेलनोवाज के साथ कोई ऐसा इशू कभी रहा नहीं? डिजीज फ्री डॉग है ये भी? जब से या आपने, जैसे मैं भी कई वीडियोस हैं मेरे खुद के भी मेलनोवाज को लेके, तो मैं भी यही बोलता हूँ जी, मेरे डॉग्स के साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की डिजीज को लेके, आपके साथ भी है ऐसा? या ऐसी कोई मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, तो स्ट्रॉन्ग डॉग है आपका? स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, मुझे खुद को भी शुभम भाई लगता है कि जेनेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है डॉग के तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती नहीं है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है जेनेटिक्स के साथ साथ आपका अगर डाइट सिस्टम बहुत अच्छा है, कुत्ते को आप टाइम पे डाइट एंड एक्सरसाइज पूरी देते हो, तो प्रॉब्लम बहुत ना के बराबर ही आती है। बिल्कुल। और बताएं इसके बारे में कुछ आप? बस बढ़िया डॉग है, तैयारी चल रही है। देखो ब्रीडिंग में आप यूज कर रहे हो? हाँ, ब्रीडिंग में यूज कर, मैंने इसका एक फीमेल को पे छोड़ा भी था मेरे फ्रेंड की। अच्छा, अच्छा रिजल्ट आया, काफी बढ़िया वो मैंने देखे भी थे, एक ब्लैक कलर का फीमेल, आप ट्रेनिंग का वो इस वीडियो में मैं उसको वीडियो को भी दूंगा, फोटोज और वीडियो कुछ डालूंगा उस फीमेल के भी, काफी अच्छी आपने वो ट्रेंड की हुई थी, ट्रेनिंग का एक वीडियो था छोटा, आपने, मैंने देखा था उस वीडियो को, 7-8 महीने पे फीमेल वो आ गई थी प्रोटेक्शन। अच्छा, तो अभी आपने है आपके पास वो? आगे आगे सेल कर दिया? पॉसिबल ही नहीं ना, मैं इसलिए तो स्टार्ट में भी मेरा पपीस पे बिल्कुल ना के बराबर काम। बिल्कुल। तो अगर कोई स्टड में इसको यूज करना चाहे तो इसका क्या आप कैसे करते हैं? अच्छी फीमेल होती है तो बाकायदा भैया, मेरे को किसी भी डॉग को स्टड देने में कोई मना नहीं। जी। फीमेल अच्छी हो, जी। सामने वाला बंदा बेटर है, डीमन मो सिट डाउन, आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी जैसे शुभम भाई ने बिल्कुल पूरा ट्रेंड किया हुआ है ये डॉग। तो अब कितना टाइम हो गया तब से रेगुलर इसका ट्रेनिंग चल रहा है? हाँ चलता रहता है ट्रेनिंग तो, मतलब कभी बंद, मेरा ये मानना है कि डॉग्स की सीखने की कोई लिमिट और कोई सीमा नहीं है, एंड नहीं है। शुभम भाई, आप जैसे ये KNPV डॉग है, KNPV डॉग जो मैंने जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ KNPV डॉग्स हैं, तो ये पर्टिकुलर ब्रीड हुए हैं वर्क के लिए, काम करने के लिए ये ब्रीड जो है ब्रीड हुई है, FCI इसको, KCIB इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो इसको रजिस्टर्ड नहीं करते हैं वो, इसीलिए क्योंकि KCI का KNPV का कुछ आपस में पता नहीं उनका है या नहीं है, जो भी है। तो आपको क्या लगता है, ये डॉग ज़्यादा बेटर है या जो हमारे FCI वाले पहले डॉग थे जो, वो ज़्यादा अच्छे हैं? भैया बहुत बेस्ट हैं जी, भाई डिपेंड करता है वो सामने वाला कैसा उसको बना रहा है, और वो जेनेटिक्स, कुल मिला के टोटल बात जेनेटिक्स पे है। भैया मैंने यहाँ भी
एफसीआई डॉग्स भी देखे हैं जो केसीआई में रजिस्टर्ड जी 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 जी, बट बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग देखे हैं बहुत सारे आपने खुद ने भी नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल बनाए हैं के पास भी डॉग्स हैं बिल्कुल 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 बहुत अच्छे डॉग्स हैं नहीं सभी ट्रेनर्स के पास कई बहुत अच्छे डॉग्स हैं बहुत अच्छे वो मेहनत करते हैं उन डॉग्स पे तो मैंने उनकी अपनी अपनी मेहनत है देखो जी 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 सबका अपना अपना स्पोर्ट्स है जी 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 अब कोई प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है तो ये के एन पी वी डॉग्स भी आप कहते हो घर में हम रख सकते हैं भैया घर में रखने के लिए तो मैं नॉइज नहीं बोलूँगा नहीं मेरे कुछ नोन हैं या कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मेलानोइज रखे हुए हैं घर में बट वो तो बहुत आराम से रखे हुए हैं अच्छे से रखते हैं बट वो ये है कि टाइम पूरा देते हैं टाइम पूरा देते हैं तो वही ना वही वाली पता करो टाइम पूरा नहीं देंगे रखने में तो आप कोई से भी ब्रीड रख लो भैया बस वही समय आप दे सकते हो उनका प्रॉपर वर्कआउट करा सकते हो तो ठीक है बट ये जेनेटिकली इनमें थोड़ा सा होता है ना आपको चलो बाकी चीज़ें तो ठीक है आपको एक निगेटिव पॉइंट क्या लगता है इस मेलानोआ के अंदर आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ें ना हो तो ये डॉग और ज़्यादा अच्छा है ऐसा तो यार कुछ भी मेरे लिए तो नेगेटिव नहीं है मतलब जो भी है सब पॉजिटिव है सारे डॉग्स में नहीं नहीं मैं पर्टिकुलर मेलानोआ की बात कर रहा हूँ ठीक है ऐसे तो उसे कोई प्रॉब्लम मैंने तो फेस नहीं करी किसी प्रकार की तो मैं क्या बोलूँ उसको लेकर प्रोटेक्शन और गार्डिंग में कैसा है डॉग सुपर सुपर इससे ऊपर कुछ मानते हैं आप प्रोटेक्शन और गार्डिंग के लिए नहीं भैया मैंने तो देखो मैं भी एक ट्रेनर हूँ लेकिन मैं ना अभी तक मेरी भी इतनी ज़्यादा एज नहीं है लेकिन जितना भी मैंने देखा 90% ट्रेनरों के पास अच्छे ट्रेनर हैं वो मेलानोआ डच शेफर्ड अभी डिफरेंट ब्रीड आ रही है लोग करते हैं दूसरी ब्रीडों पे भी ट्रेनिंग करते हैं लेकिन ये जो वन मैन डॉग मतलब परफेक्ट हर तरह से जहाँ यूज़ करना है जी 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 वहाँ यूज़ करना तो अभी अब नया कुछ लाने की कुछ प्लानिंग है आपकी इसकी फीमेल है आपके पास मेलानोआ आप ब्रीड कर रहे हैं या पापसी या फीमेल कुछ है मैं ब्रीडिंग का भैया है अच्छा ब्रीडिंग का आप सिर्फ आप स्टड रखते हो हां ज्यादातर मेरा स्टड है तो मेरे कोई डोबरमैन वगैरह घर की फीमेल है तो मैंने उसको ब्रीडिंग जी 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 मेरा दे दिया स्टड जिसको जितना चाहिए ले कोई प्रॉब्लम नहीं है जी आगे वो मैंने वीडियो में बोला भी है स्टड के लिए अगर आपके पास अच्छी फीमेलें हैं अच्छे डॉग्स हैं तो आप शुभम भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाकी इस ब्रीड के लिए काफ़ी और भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं जो हमारे भी हैं या और भी काफ़ी वीडियोस मेलानोआज के हैं अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मेलानोआज के बारे में चाहिए तो आप वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं मेलानोआ के बारे में ब्लैक कलर हाँ ब्लैक कलर कम है मैं भी एक अभी डॉग मेरे पास भी है ब्लैक कलर का हाँ मेरे पास भी है बट ये जो है ये सबसे बेस्ट डॉग है अभी जो उस टाइम सबसे पहले तो आप ही के पास था बहुत अच्छा डॉग है बहुत नो डाउट बहुत अच्छा डॉग है इसकी सिस्टर रियल जैसे मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया गया बहुत अच्छा है वर्किंग बहुत अच्छा डॉग है ब्यूटीफुल डॉग जी 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 तो आई होप आपको ये शुभम भाई का डॉग्स पसंद आया होगा बेल्जियन मेलानोआ ब्लैक कलर तो आपको अगर स्टडी या किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो शुभम भाई को कर सकते हैं थैंक यू